ओके, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट। पहला चैप्टर आपका मैनेजमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हेन डू यू रिक्वायर इट, इसकी नीड कैसे फील हुई थी फर्स्ट टाइम पे, अंडरस्टैंड इट। जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज। ये वर्ड डिराइव हुआ एक वर्ड नोमोस, NOMOS, आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्ड मैनेजमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम नोमोस, एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। सो मैनेजमेंट वर्ड है वो कहां से है, नोमोस वर्ड से। व्हाट यू मीन बाय दिस, इट इज बेसिकली द बिहेवियर ऑफ द पीपल। जैसा एथिक्स भी एक बिहेवियर आपका, बट वो इंडिविजुअल का होता है। एंड मैनेजमेंट इज समथिंग व्हेन यू रिक्वायर इट, व्हेन यू हैव मोर देन वन पर्सन। आपको मैनेजमेंट की कब जरूरत पड़ती है, जब आपको एक से ज्यादा लोगों को साथ में काम करना है, ठीक है। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या है, मैनेज का मतलब, मैनेजमेंट वर्ड का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना, जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है। मैनेज का मतलब होता है द स्टैंडर्ड विच इज ऑलरेडी सेट, टू वर्क ऑन दैट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड, उसको उसी तरीके से काम करने को मैनेजमेंट बोला जाता है। The word management had its origin from the Greek word nomos, which means management. Management denotes not only special position and rank, but also discipline and field of study. It is management that provides planning, organizing, directing, etc., etc., staffing, controlling, etc. माना management ने provide किया था। कुछ पुराने history के जो हमारे authors हैं, उन्होंने इनको डिफाइन किया हुआ मैनेजमेंट को। बेसिकली मैनेजमेंट इज अ टॉप पोजीशन ऑफ द कंपनी हु एक्चुअली डोंट वर्क ऑन द ऑपरेशनल लेवल। मैनेजमेंट कभी भी ऑपरेशनल या ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं करता, खुद जाके काम नहीं करना है। द वर्क ऑफ पीपल इज बीइंग मैनेज्ड बाय अदर्स, वो लोग अपना काम किसी और से करवाते हैं, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट करना। गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से काम करवाने को मैनेजमेंट बोला जाता है, खुद के काम करने को मैनेजमेंट नहीं बोला गया यहाँ पर, दूसरों से काम करवाना। When a group of people work together and that coordination among them is called as management. Different authors हैं, उन्होंने सबने अपनी अपनी definitions अपने तरीके से आपको बताई। क्या क्या definitions है देखिए, हिक्स ने बताया, सर जितने भी authors हैं उनके नाम आपको याद करने हैं, एक एक आदमी का नाम आपको लर्न करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी वन। हिक्स ने बताया इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल एंड थ्रू द पीपल। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आपको ये लाइन लिख के दे देंगे, मैनेज गेटिंग द थिंग्स डन बाय पीपल और थ्रू द पीपल इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय, चार पांच ऑथर के नाम देंगे, आपको चूज करना है सही वाला, तो आपको याद होना चाहिए। क्या इसका मतलब है जो उन्होंने बताया, इन्होंने कहा एक काम है जो लोगों के द्वारा और लोगों से करवाने को मैनेजमेंट बोला गया। कून्स ओ डोनल ने क्या कहा, इसने कहा गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल, मतलब लोगों से करवाना वापस ने साथ में रख के करवाना, ये नहीं कि तुम चुपचाप काम करो, ये नहीं चलेगा। लोगों से करवाना बट उनको अपने साथ रखना, उनको ये दिखाना कि वी आर पार्ट ऑफ टीम, हम एक जैसे ही हैं, तभी काम ज्यादा बेटर होता। हेमन आया, इसने कहा मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू पीपल, लोगों से, एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्ट, मतलब लोगों से काम करवाना किसके लिए करवाना, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए करना, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, कोई सवाल है इसमें तो पूछो आप। क्लियर। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं, सर ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट के लिए काम करता है, ऐसा भी कोई है जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता? एनजीओ, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता। सो सिंस द बिजनेस टेंड्स टू डेवलप देयर एम्प्लॉइज, बिजनेस जो होता है वो अपने एम्प्लॉइज को दो काम के लिए रखता है। पहला ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ मतलब उसके पास अच्छी टीम हो, और दूसरा प्रॉफिट, दो काम अच्छे होने चाहिए। मेटीरियल वेल्थ जो है
वो दो तरीकों से हो सकती है, पहला प्रॉफिट कमाना और दूसरा प्रॉफिट कमाना, तो मतलब फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ रही है आपकी, फाइनेंशियल एसेट्स इंक्रीज होने को प्रॉफिट कमाने की वेल्थ बोला गया। दूसरा है आपका क्रिएटिंग ह्यूमन वेल्थ। ह्यूमन वेल्थ कैसी होती है कि सर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन जब आपने एंट्री की थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, ज्वाइनिंग की थी, वो दिन आपके क्या हाल थे, व्हाट वाज योर स्टेटस, और आज जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल स्पेंड कर चुके हो तो आपके पास कितनी अच्छी नॉलेज आ चुकी है। ट्रेन करना उनको, दैट इज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन वेल्थ। ठीक है, पढ़ के देखो। क्लियर। नेक्स्ट, मैनेजर्स में एड द वैल्यू टू द वेल्थ क्रिएटिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस बाय। मैनेजर किस तरीके से आपकी वेल्थ बढ़ा सकता है, कैसे? चेंजिंग अ पार्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी, कंपनी की स्ट्रेटेजी बदल सकता है मैनेजर जिससे कि वेल्थ बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, जब वो कंपनी के अंदर था कंपनी की वेल्थ बहुत अच्छी थी, उसको कंपनी से निकाला 95 में, कंपनी इंसॉल्वेंसी पे आ गई थी। सेम आदमी दोबारा आया कंपनी के अंदर, उसने कंपनी को फिर से आसमान पर पहुंचा दिया। तो क्या एक ह्यूमन या पर्सन मैटर करता है यहां पर? दैट इज चेंजिंग पार्ट ऑफ कंपनी स्ट्रेटेजी, कंपनी की स्ट्रेटेजी बदलने पर कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट्स बढ़ सकता है। फाइंडिंग अ मोर इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट, ये कौन कर सकता है? किस तरीके से आप वैल्यू एड करते हो ऑर्गेनाइजेशन में काम के, ऑर्गेनाइजेशन के वेल्थ में किस तरीके से वैल्यू एडिशन होता है? पहला, आप चेंज करो उनके काम करने के तरीके को। दूसरा, उनके प्रोडक्ट को मार्केट करने का नया तरीका ढूंढो आप, another or new method to market their product. तीसरा, initiating the redesign of manufacturing process. इसका मतलब क्या हुआ? Existing process जो है उसको फिर से redesign करना, change करना, जो उसमें कमी है उनको ठीक कर। Developing and implementing a more effective approach to customer services को better करना, implementing new organization structure, leading employees through the change process, selecting and developing the most competent employees as a part of their success planning strategy and so forth. मतलब right person at the right time at the right post, वो होना, सही आदमी को choose करना, ये आपका काम। Clear? देखिए, मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको दो तरीकों से इवेल्युएट किया जाता है। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, व्हाट आर दोस टू वेज टू इवेल्युएट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को आप दो तरीकों से कैसे इवेल्युएट करते हो? देयर आर वेज टू इवेल्युएट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू गेट द थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्ड का मतलब, ये थोड़ा ना वैसे भी इजीली समझ आएगी, ये बातें आपको पहले पढ़ चुके हो अभी सब, जो ऑलरेडी स्टडीड है ऑलरेडी, तो मेरे को बता सकता है कोई ये एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? इन द लीस्ट टाइम एंड द बेस्ट लीस्ट कॉस्ट, समय भी कम और पैसा भी कम। यूजुअली मेजर्ड एज आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट मे बी मेजर्ड इन अ यूनिट ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, मनी और टाइम। इफेक्टिवली का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग टू अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। समझ आए डिफरेंस दोनों में? जब हम बात करते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एफिशिएंटली का मतलब होता है समय भी बचाया आपने, पैसा भी बचाया आपने, और उसको कम कॉस्ट में, कम टाइम में करके डिलीवर कर दिया। वेरियस एफिशिएंटली का मतलब क्या है? गुड क्वालिटी के साथ आपने उसको राइट टाइम पे करके, लेट नहीं हो रहे हो। पैसा डेफिनेटली ज्यादा इसमें लगेगा बट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, द कॉम्पिटेंट मैनेजर इवेल्युएट एनी कंप्लीटेड और अ प्लान्ड कोर्स ऑफ मैनेजमेंट एक्शन बाय टेकिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन से?
हैज इट और विल इट इंक्रीज एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, क्या जो मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ उससे कुछ होगा? आप भी यही करते हो ना, जो मैं कोर्स कर रहा हूँ क्या उससे मेरी कमाई ज्यादा होगी? शैल आई चूज दिस और नॉट? हम पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम करें या ना करें, है कि नहीं? देन हैज इट और विल इट एड अ वैल्यू? अगर मैं ये काम कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ, किससे वैल्यू एडिशन होगा कोई, ये भी देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वांटिटेटिव और मेजरेबल टर्म्स सच एज। आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी कुछ चीजों में दिखती है कि मैनेजमेंट कैसा है, वो सबको पता है। आप छोटे से एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो अगर उसमें गंदगी पड़ी है आपको क्या लगता है? नहीं, मैनेजमेंट अच्छा नहीं। अगर सर्विस अच्छी नहीं हो रही है तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? कोई भी आदमी कुछ भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको चिल्लाने पर भी वेटर नहीं आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वेल एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट नहीं है, कोई भी पर्सन अकाउंटेबल नहीं है। अब धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स के अंदर टेबल के ऊपर वेटर को डिजाइन कर दिया जाता है कि तुम इस टेबल को देखोगे, तुम इस टेबल को देखोगे। बेसिकली वर्क का लोकेशन हो रहा है, इसलिए हो रहा है सो दैट ही विल बी अकाउंटेबल, उनके साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो, बिल दिए बिना गया तो वो अकाउंटेबल है उसके लिए। तो क्या क्या चीजें सेट होती है एक बेटर के लिए? वेल मैनेज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव मेंटेन देयर शेयर प्राइसेस। मैनेजमेंट का क्या फायदा है? अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होगा और प्लस आपके शेयर के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। वेल मैनेज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव मेंटेन देयर मेंबरशिप एनजीओ। तीसरा, गवर्नमेंट आर री इलेक्टेड बाय वोटर्स। अगर मैनेजमेंट अच्छा है गवर्नमेंट का तो री इलेक्ट हो सकती है, अदरवाइज आपस में अगर लड़ते रहते तो वोटर्स को सर, मैं आपस में मेरी गवर्नमेंट है, रोज सरकारें गिर रही है, समझते सरकार गिरना, लास्ट टाइम होता था जो गठबंधन से मिली हुई सरकार होती है ना, तो बेसिकली उसमें कोई ना कोई तो कहेगा मैं खींच लूंगा, मैं अपना सपोर्ट वापस लेता हूँ, मैं लेता हूँ, तो डेली डेली मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता। अब देखिए, अगर आपकी एक सरकार है जिसको आपने कंप्लीट बहुमत से जिताया तो वो गवर्नमेंट अब स्ट्रांग डिसीजन ले पा रही है। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के टाइम पे क्या होता था, कोई ना कोई बीच में आ जाता था, मैं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं अपना समर्थन और सपोर्ट वापस ले लूंगा, जिससे कि शायद प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जो भी बनता वो नहीं बनता। कंट्रीज एक्सपीरियंस इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपकी कंट्री का मैनेजमेंट अच्छा है तो लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ जाता है, ठीक है? रीड द डाउनसाइड बिलो पैरा, पढ़ के देखो सर। कार रिपेयर शॉप माइट रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑन रिपेयरिंग।
items, but it repairs are not done properly and the repairer gets a reputation for poor quality, the shop may quickly lose customers. आज की डेट में जब आप रिपेयरिंग करवाने जाते हो तो आपको एक चीज बोली जाती है, they don't try to repair the things. वो सिंपली आपको क्या कहते हैं, पार्ट नया ले आओ. उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है कि एक तो उसका टाइम बच जाता है, तो एक टाइम पे वो एक से ज्यादा गाड़ियां कर पाएगा. दूसरा, रिस्क नहीं रहता रिपेयरिंग का. पार्ट खराब हो, नए पार्ट जनरली खराब होते नहीं, और होते भी तो वो कहेगा मेरी गलती इसमें. अब ये चीजें बढ़ती जा रही है, आजकल रिपेयरिंग कम होती जा रही है, सारी रिपेयरिंग की दुकानें बंद होती जा रही है. देखो धीरे धीरे क्यों लोग मैनेज अच्छा कर रहे हैं, लोग ये सोचते हैं मैं क्यों करूं, पैसा फालतू लग रहा है, आपका लग रहा है, व्हाई शुड आई गेट इट रिपेयर. पहले इलेक्ट्रीशियन की शॉप होती थी, बहुत सारी होती थी नंबर में, अब कहाँ है. पहले टीवी, टेप रिकॉर्डर, रिपेयर करने वाले बैठे, उनके पास वक्त नहीं होता था आपसे बात करने का. एक टाइम पे वो पलट के नहीं देखते थे, आज की डेट में उनके पास काम नहीं. रीजन, मोमेंट आर टेप रिकॉर्डर एक्सेट्रा इज नॉट वर्किंग, हम क्या करते हैं, नया ऑर्डर कर देते हैं. मेंटेलिटी वो बनी है कि रिपेयर, पहली बात तो करवाने वाला आदमी नहीं मिलेगा. सिलाई मशीन होती थी, पहले रिपेयर करने वाले कितने घूमते थे, अब नहीं है, दे आर नॉट अवेलेबल, अवेलेबल ही नहीं है. रीजन मीन चीजें रिपेयर अब नहीं करते क्योंकि लोग अच्छे से, जो ये अगर मैं कहूंगा क्लैरिकल जॉब्स भी है, छोटे जॉब वाले भी, ये भी समझते कि क्यों इसमें टाइम खराब कर रहे हैं. गाड़ी रिपेयर करवाने जाते हो आप, जनरली क्या बोलेंगे वो, लेट्स नॉट रिपेयर, पार्ट नया लेके आओ, पार्ट डायरेक्ट नया ले आओ. जबकि वो चीजें रिपेयर हो सकती है तब भी वो सीधे बोलते हैं नया ले आओ. मोटर खराब हो गई, पहले पंखे ठीक करने वाले होते थे ना, मोटर नहीं बना देते थे, अंदर पंखों में जो मोटर होती है वो पूरी की पूरी मोटर बना देते थे, टाइम जरूर लगता था उनको. आज की डेट में क्या है, सर मोटर कितने, मोटर जल गई है, नई मोटर डलेगी, सिंपल ये आप बोल के देख तो रिपेयर कर दे, नहीं करता, मेरे से नहीं होगा कहीं और से करवा दो. क्यों सर, उस मोटर रिपेयर करने के टाइम पे मैं 10 पंखे बना दूंगा और नहीं. ठीक है, ये एक एग्जांपल आपका मैनेजमेंट का कि वो अपने समय को, अपने टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं. रिपेयर करवाना चाहते हो मुझे उतने पैसे दे दो, आप 10 पंखों के बराबर पैसे दे दो जो आप दोगे नहीं, क्योंकि उसके बराबर आपको नया पंखा मिल जाएगा मार्केट में. तो आप क्या चूज करते हो, फैको इसे नया ले आते हो, है ना. सिमिलरली कार मैन्युफैक्चरर मे बी प्रोड्यूसिंग कार एफिशिएंटली एट राइट प्राइस, हाउएवर इफ द राइजिंग पेट्रोल प्राइस कॉज कंज्यूमर टू वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, जैसे हमारे पास क्या आया, सीएनजी. कार मैन्युफैक्चरर की सेल कम हुई, किस वजह से, बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइस इन द फ्यूल. पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, आज की डेट में अगर पेट्रोल उतने ही रुपए रहता, पेट्रोल इतने ही रुपए रहता जो आज है और सीएनजी नहीं होती, तो ट्रस्ट में दिल्ली में गाड़ियां कम होती. आधे से ज्यादा गाड़ियां इसलिए चल रही है बिकॉज वो सीएनजी पे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मेट्रो यूज कर रहे होते क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस ज्यादा है, तो प्रेफर करते हैं हम टू व्हीलर ले आए, थ्री फोर व्हीलर तो शायद कम रहते थे. हम अगर अपना खुद का कन्विंस भी चाहते तो हम इलेक्ट्रिक स्कूटी या साइकिल प्रेफर करते. एक टाइम पे साइकिल चलती थी, ठीक है, आज की डेट में साइकिल को समझा क्या जा रहा है, वेरी रेयरली विल फाइंड, मतलब लेबर क्लास है तो थोड़ा सा शायद साइकिल पे मिले आपको, अदरवाइज यू विल नॉट फाइंड साइकिल्स एट ऑल. आपको साइकिल्स नहीं मिलती दिल्ली चलाते हुए, बच्चों को छोड़ दो रोड पे, एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइकिल इज रेयरली यूज, या तो नेसेसिटी की वजह से यूज, मजबूरी की वजह से यूज हो रही है, पीपल डोंट प्रेफर दैट. ठीक है, अब आप बाहर की कंट्रीज में जाइए, काफी सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो साइकिल पर ट्रेवल करते हैं, लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, उनकी कंपनीज उनको साइकिल देती है ट्रेवल करने के लिए, सो दैट दे स्टे फिट, फिट रहने के लिए. ये चीज है, हम आएंगे इस चीज पे, वी विल कम आफ्टर फ्यू इयर्स, हम भी आ जाएंगे, ट्रस्ट मी. लोगों को जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है अबाउट देयर फिजिक हेल्थ के लिए, वैसे वैसे धीरे धीरे वो अच्छा काम कर रहे हैं. काफी सारे इंडिया में लोगों ने शुरू कर दिया है, अभी काफी सारे लोग शुरू कर चुके हैं. ठीक है, तो कार मैन्युफैक्चरर मे बी प्रोड्यूसिंग कार एफिशिएंटली, मतलब सही प्राइस पे कर रहे हैं, कार की कॉस्ट के हिसाब से सही कर रहे हैं, बट उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है उसका प्राइस ज्यादा है, तो उसकी सेल ऑटोमेटिक. उनको मैनेज क्या करना चाहिए यहां पर, उसको उस पेट्रोल की जगह कोई सब्स्टिट्यूट निकालना पड़ेगा. वो अच्छा मैनेजमेंट है किसका, कार मैनेजमेंट.
सो मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पोटेंशियल टू डू रिमार्केबल थिंग, मतलब हर एक इंसान का एक पोटेंशियल होता है कि वो बेस्ट टू बेस्ट काम कर सकता है. टू एनेबल एवरी पर्सन टू अंडरस्टैंड, डेवलप एंड यूटिलाइज योर पोटेंशियल, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड एनवायरमेंट वेयर बाय मैक्सिमम आउटपुट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल. द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर देखें अगर. अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम एफर्ट्स, मतलब क्या होता है इसका, कम समय ज्यादा आउटपुट. दूसरा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, समझते क्या होता है, वेस्टेज को कम या ना के बराबर जितना हो सके उसको रिड्यूस करना. मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी क्या मतलब है, एक जना बताओ. मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी का मतलब है कि जो अभी आपके स्टेक होल्डर्स है उन सबको आपके साथ ज्वाइन करके फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा है. वन वर्ड आंसर देखा जाए. दो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन. मैनेजमेंट एंश्योर स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ द एंटरप्राइज. दिस इज इन टर्न हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज इन द शेप ऑफ गुड वर्किंग कंडीशन, सुटेबल वेज सिस्टम, इंसेंटिव प्लान. सुटेबल वेज सिस्टम मतलब उनको सैलरी अच्छी मिलती है. इंसेंटिव प्लान का मतलब जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा कमीशन इंसेंटिव्स मिलेंगे. ऑन द वन हैंड एंड हायर प्रॉफिट ऑन द एम्प्लॉयर ऑन द अदर हैंड. सर आपको ज्यादा प्लान इंसेंटिव मिल रहे हैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे, डोंट यू थिंक आप जो बना रहे हो आपको तो मैं उस प्रोडक्ट में से कुछ कमीशन दे रहा हूँ, 10% 90% तो मेरा है ना, मैं बिलीव टू वेल्थ पढ़. नेक्स्ट, ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस. सर अगर मैनेजमेंट अच्छा है ह्यूमन बेटरमेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट अच्छा है आपको काम अच्छा सीखने को मिलेगा, एक्सपोजर अच्छा सीखने को मिलेगा. ठीक है, लॉट टूल्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बेटर ऑफ द सोसाइटी. दो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट इंश्योर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द सोसाइटी एंड इंप्रूव जस्टिस थ्रू इट्स यूनिफॉर्म पॉलिसी. नेक्स्ट पढ़ो, इंपॉर्टेंट से पढ़ के देखो. डन. क्या क्या चीज है सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले अचीविंग, इफ योर मैनेजमेंट इज नाइस. सर अब तो कुछ बच्चे पीपीटी कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपस में कन्फ्लिक्ट होते हैं. जब आप प्रेजेंटेशन बनाते थे तो कन्फ्लिक्ट होते हैं, मैं क्यों करूँ काम, तू क्यों करे, आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, यू आर नॉट अवेलेबल, ये टॉपिक नहीं लेंगे, मैं पहले बोलूंगा तू बाद में बोलेगी, या वी विल डू ऑल दीज थिंग्स. दीज आर जस्ट कन्फ्लिक्ट, ये छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट. तू फोटो निकाल, तेरी ये स्लाइड है, एक्सेट्रा. बट वेन यू आर इन अ टीम, जब आप टीम बन के काम कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉन्फ्लिक्ट्स. बट इफ योर मैनेजमेंट इज नाइस आपके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. कैसे? सर अगर आपने सब कुछ पहले से ही बांट रखा है इक्वली, यू विल स्टार्ट आई विल एंड, यू विल अरेंज द इंफॉर्मेशन, आई विल प्रिपेयर द स्लाइड्स, वेन आर यू अवेलेबल, वेन आई एम अवेलेबल, हम उस टाइम के अकॉर्डिंग मिलते हैं. हम मैं ना मैं तेरे यहाँ पे आऊँ ना तू मेरे यहाँ पर, हम मिड में मिलते हैं. ठीक है, हर एक चीज रिटर्न में हो अगर तो मैनेजमेंट अच्छा होता है. मैनेजमेंट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी मेंशन डिटेल फॉर्म में. दूसरा, पहला फायदा क्या हो गया, ग्रुप गोल्स. दूसरा, ऑप्टिमलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या हो गया, फुल यूटिलाइजेशन. रिड्यूस कॉस्ट, मैनेजमेंट अच्छा होने पर कॉस्ट कैसे कम होती, कैन यू टेल मी. टाइम वेस्टेज, जब ऊपर वाला सेकंड पॉइंट होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा नहीं होगा, जब रिसोर्सेज पूरी यूज हो रहे हैं तो फायदा तो. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हो जाएगा. देन एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम,
आपका इक्विलिब्रियम नॉर्मल टाइम से पहले आएगा, समझ लो इक्विलिब्रियम वेयर देर इज कॉस्ट रिकवरी, नो प्रॉफिट नो लॉस ओके, बट जहां पर आपकी कॉस्ट की रिकवरी होनी शुरू हो जाती है उसको क्या बोला जाता है इक्विलिब्रियम। सर वो समय से पहले आएगा, क्यों? जब बिजनेस अच्छा हो रहा है, सोसाइटी में आपका नेम है, साउंड हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तो डोंट यू थिंक दैट आपका इक्विलिब्रियम जो है वो समय से पहले, मतलब अचीव होना था 700 यूनिट्स पे और वो अभी अचीव हो जाएगा 650 यूनिट्स के ऊपर। प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, सबका भला, ये तो कुछ ज्यादा फालतू हो गया बट ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट, कैन एनीवन टेल मी, कैन यू डिबेट ऑन दिस थिंग विदाउट स्टडी प्लीज? व्हाइट साइंस रटने वाला मत बनो, साइंस क्यों है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इज साइंस। और व्हाई इज आर्ट? ये वर्ड मत बोलना आगे, पर्सनल पर्सनल एग्रेशन, पर्सनल अग्रेशन, पीछे से कोई बच्चा आवाज दे रहा था, साइंटिफिक वॉइस, थ्योरेटिकल नॉलेज, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए और कोई क्रिएटिविटी, तो मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी चाहिए क्या, ये बताओ पहले तो। वो तो आप मुझे बता रहे हो साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है, ओके, बट क्या मैनेजमेंट ये है, इनमें से क्या है और वो क्यों है, जस्टिफाई करो, जस्टिफाइड, मतलब आप कहते हो कि ये है, अग्री, साइंस का मतलब हो गया आपका एक्सपेरिमेंट और आर्ट का मतलब हो गया, साइंस का मतलब एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, थ्योरी हो गया ना, रिटन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है साइंस, साइंस का मतलब है कुछ चीजें लिखी हुई, और आर्ट का हो गया क्रिएटिविटी। नाउ हाउ इट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इनमें से क्या है वो बताओ ना, ऐसा ऊपर करके दो इसको, आप प्रॉपर कुछ भी नहीं है तो ये पन्ने फाड़ दो। तो यू आर सेइंग मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज जस्ट अ साइंस, इज दैट सो? नॉट एन आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस और आर्ट। सीधा बैठ जाए, कमर बहुत मुड़ जाएगी पीछे, सीधा चेयर पे घुसने से कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट इज अ साइंस, आर्ट इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज, आर्ट मीन्स थ्योरी, ये वो बी ए वाला आर्ट्स नहीं, हाँ हाँ किस क्या ये तो किताब आ रही है, अपना बताओ आपको क्या, आपका क्या इसके अंदर है, साइंस में डिफाइंड होता है, डिफाइंड होता है ये, प्रैक्टिस सही है। चलो एग्री टू ऑल ऑफ यू, जो भी आप कह रहे हो वैसे सही है। साइंस का मतलब जैसे आपने बताया इट्स अ सिस्टमेटिक बॉडी, कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये थ्योरी है, कुछ ने कहा कि इसके स्टेप्स बने बनाए हैं स्टेप्स, आप उससे एक इधर और एक इधर नहीं हो सकते हो, इसमें अपना दिमाग कि मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ वो नहीं हो सकता है। कुछ ने कहा कि सर आर्ट जो आई वॉन्ट से कंप्लीट थ्योरी,
बट पूछने का कि सर आर्ट्स इज अ क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव है। हाँ ये दोनों ही मैनेजमेंट है, कैसे वो बताता हूँ। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स भी सेट बने हुए, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा सेट बना हुआ है, तो ये साइंस तो है ही है, बिकॉज ये भी डिफाइंड बॉडी है। मैनेजमेंट डिफाइंड नहीं है तो हम पढ़ क्या रहे हैं। कुछ चीजें तो डिफाइंड है ना मैनेजमेंट की। दूसरी चीज सर ये आर्ट्स कैसे हो, मतलब मैनेजमेंट आर्ट कैसे, आर्ट्स नहीं आर्ट कैसे, वो भी ये आर्ट्स, वो आर्ट कैसे वो बताओ। हाउ मैनेजमेंट इज आर्ट, मतलब मैनेजमेंट एक कला कैसे है। And science is not doing way of work. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब प्री डिफाइंड। ये तो साइंस में आ गए। सबको सबके पास बुक है, अपना बताओ क्या इसको आर्ट कैसे कह रहे हो आप। ठीक है, तो मतलब यू ट्राइंग टू से मैनेजमेंट इज आर्ट बिकॉज आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी। वेन यू प्रिपेयर एनी आर्ट यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव एंड एवरी आर्ट इज डिफरेंट। सिमिलरली इन द मैनेजमेंट यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। एवरी डे इज अ डिफरेंट सिचुएशन, एवरी सेकेंड डे इज अ डिफरेंट सिचुएशन, एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड मैनेज इज अ पर्सन हू हैज टू डील विद पीपल and people are different and every second they are different. It's not defined how they are going to behave. Likha hua nahi hai kahin par bhi ki kaun aadmi kis waqt kaisa behave karega, but manager ko us waqt us aadmi se quickly kaise deal karna hai, ye uski creativity hai, ye uska art hai. To ye management science to hai hi hai, kyunki defined hai thoda, plus creativity bhi hai. Kyun? Kyunki sir aapko different type of creativity har ek jagah par dikhani padti, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से ही आप काम करते हो। किस तरह की क्रिएटिविटी, द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू फेस उनको आपने सॉल्व करना है अपनी क्रिएटिविटी से। कोई भी प्रॉब्लम्स कभी भी लिखी भी नहीं होती ना। जैसे हमारा काम है, अगर मैं कहता हूँ कि सर मेरा काम तो लिखा हुआ है, कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी है, कैसे कंपनी बनानी है, कैसे LLP फॉर्म करनी है, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी कहीं पर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो मेरा आर्ट है। बट सर मैनेजर तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। कैसे, अब एक आदमी कोई प्रॉब्लम लेके आया, एक अपनी लेके आया, एक अलग ही लेके आया, एक अलग लेके आया प्रॉब्लम, हर एक आदमी को कैसे डील करना है, ये क्या आपकी क्रिएटिविटी है। आप जितनों को डील करोगे, आप अगर एक्सपर्ट हो, मैं ये नहीं कहूंगा 100 में से 100 सेटिस्फाई होंगे आपसे, मुझसे भी नहीं होते। अगर आप इतने पढ़ रहे हो, 2-3 अभी भी इसमें डिससेटिस्फाइड रहेंगे हमेशा। ठीक है, कुछ लोग रहते ही हैं, कुछ लोग वो अपने एग्जिस्टेंस से भी डिसेटिस्फाइड रहते हैं, हम पैदा ही क्यों उनको हर चीज में कमी रहती है। आप कंपनी में जाओ, खाना खाओ, वो रेस्टोरेंट में, और स्पेशली इंडियंस एशियंस, आप वेबसाइट्स पे जाओ, Amazon, Flipkart एक्सेट्रा की वेबसाइट पे जाओ और नेगेटिव रिव्यूज चेक करो, आता ना एक ऑप्शन, उस नेगेटिव रिव्यूज में देखो आप किन के नाम सबसे ज्यादा है, पॉजिटिव में देखो हम होते ही नहीं है। अच्छा के पैसे दिए, अगर आपको जो चीज आपने मांगी वो मिली, पैसे दिए सर, पैसा दिए इसलिए हुआ है। अगर बुरा हो गया तो एक आईडी एक्स्ट्रा बना के डालेंगे, ठीक है, ये है हम। तो क्योंकि क्रिएटिविटी तो चाहिए, आप शायद सेटिस्फाई सबको ना कर पाओ, सर्टेनली आप सबको सेटिस्फाई भगवान नहीं है, मतलब एक पॉइंट तो ऐसा भी आता है भगवान से भी सेटिस्फाइड नहीं होते। भगवान बोलते ना हम लोग, क्या कर दिया है, ये तो गलत कर रहे हो, गलती हमारी है, पढ़े हम नहीं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज है। कोई भी प्रॉब्लम में हम फंसते तो हम क्या बोलते हैं, भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, आपने मेरे साथ गलत किया समथिंग। तो भगवान ने गलत किया,
प्रॉब्लम में खुद फंसे हैं, गाड़ी हम ठीक से नहीं चला रहे, भगवान ने गलत किया एक्सीडेंट करवा के, ड्रिंक एंड ड्राइव हम कर रहे हैं, मोबाइल हम छेड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो भगवान की क्या गलती है सर इसमें? तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएटिविटी को डिफाइन नहीं करेगा कभी, नेवर एवर, कभी भी क्रिएटिविटी को सेटिस्फेक्शन लेवल डिफाइन नहीं करता, ठीक है? यू आर क्रिएटिव इन योर वे, आप अपने तरीके से क्रिएटिव हो। मोदी अपने तरीके से क्रिएटिव था, है, मनमोहन सिंह अपने तरीके से क्रिएटिव थे, राहुल गांधी अपने तरीके से क्रिएटिव है, देखो है, क्रिएटिविटी तो है, अब किस टाइप की है वो अलग बात है, हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी है ना। सोनिया गांधी अपने तरीके से क्रिएटिव है, पी चिदम्बरम अपने तरीके से कल क्रिएटिव बने, ठीक है, पता होगा आपको सारा, है ना। तो हर कोई अपना अपना क्रिएटिविटी है, कौन कैसा कर रहा है, तो क्या क्रिएटिविटी पर्सन टू पर्सन डिफर कर रही है? कैन यू से हम दोनों एक जैसा क्रिएटिव है? नहीं है ना। तो क्या क्रिएटिविटी आपसे 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 डिफर कर रही है? मतलब आपकी सोच और मेरी सोच, या साथ वाले या पीछे वाले की सोच अलग है? चाहे 100% सब कुछ सेम कर रहे हो, कितना भी कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो अलग आएगा ना। तो क्या क्रिएटिविटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है? बच्चे ने बताई भी ये बात अभी पीछे शायद किसी ने, कि सर क्रिएटिविटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, क्योंकि वो प्री रिटर्न नहीं होती है, क्योंकि वो प्री रिटर्न नहीं है, डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से डील करना है, ठीक है? तो उसको बोला जाता है क्रिएटिविटी आर्ट। और मैनेजर या मैनेजमेंट, मैनेजर एक ऐसा आदमी है जिसको हर एक सिचुएशन के साथ, उसको कभी लिख के नहीं दिया जाता कि आज ये प्रॉब्लम आएंगी। डॉक्टर आर्ट पे काम करता है कि साइंस पे? साइंस पे, साइंस पे। डॉक्टर है सर, डॉक्टर तो एनीवे साइंस में काम करते हैं, इसमें सोचना क्या है? क्यों? उसको प्री डिफाइंड है कि बुखार चढ़ा तो पैरासिटामोल देना है, ठीक है, ऑपरेशन करना तो एनेस्थीसिया देना है, कितना परसेंट देना, सब लिखा हुआ किताब में, ठीक है। लॉ का बच्चा, लॉ इज अ साइंस, क्यों? लिखी हुई है। रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे डील करते हो सिचुएशन में, सामने वाला आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, आप क्या उस वक्त इमीडिएटली किक स्टार्ट योर ब्रेन। स्टीव जॉब्स का प्रिंसिपल नंबर वन, स्टीव जॉब्स के काफी सारे प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, जिसमें से पहला प्रिंसिपल है किक स्टार्ट योर ब्रेन, मतलब किक क्विक नहीं लगानी है, किक स्टार्ट योर ब्रेन का मतलब होता है कि आप जैसे ही प्रॉब्लम फेस करो उसी सेकेंड अपने आप, आपको उसका सॉल्यूशन अपने आप डेवलप कर लेना है। दैट्स क्विक स्टार्ट, मतलब इंस्टेंट इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सिचुएशन, ठीक है। ही ऑल्सो सेज पुट अ डेंट इन यूनिवर्स, इसका मतलब ग्लोब लेके उस पर मुक्का मारो, है ना। पुट अ डेंट इन यूनिवर्स का मतलब, ये उसका प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, कोई बता सकता है? एनी कोई भी आपका जो भी दिमाग चलता हो इसको, मुझे बता दो। पुट अ डेंट इन यूनिवर्स का मतलब है ही हैड मेड इट, उसने डेंट लगाया हुआ यूनिवर्स में, समझ आया? ऐसा काम करो, डेंट का मतलब बता दो, कभी एक जैसे दो डेंट नहीं डाल सकते आप, कभी भी नहीं, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, समझ आया कैसे? अगर आप एक बार चोट मारते हो इधर और दूसरी बार मारते हो इधर, जरूरी है कि एक जैसा ही डेंट पड़ेगा? तो इसका मतलब जो एक शेप बन गई डेंट की वजह से, दूसरी वैसी शेप, आप गाड़ी की टक्कर मारो, सेम स्पीड, सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम, क्या डेंट एक जैसे पड़ेंगे कभी? कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। तो डेंट वर्ड किसको डिनोट करता है? समथिंग विच इज यूनिक, वैसा दूसरा पीस उससे बेटर हो सकता है, उससे नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, बट वैसा तो कभी भी नहीं हो सकता। एंड गेस व्हाट, स्टीव जॉब्स हैज डन दैट थिंग, उससे बेटर है, उससे कम है, बट उसके जैसा
कोई नहीं है. वॉट ही हैज डन नोबडी नन ऑफ द कंपनी कुड डू दैट. उससे शायद बेटर सेल्स वाली कंपनी फ्यूचर में आ जाए, बट जो उसने करके दिखाया एप्पल के साथ वो एप्पल भी दोबारा नहीं कर सकता. ये चीज है ना, पुट अ डेंट इन यूनिवर्स का मतलब समझ आया. दुनिया में ऐसी पहचान बनाओ कि आप जैसा कोई और दूसरा नहीं. दैट्स अ पुट अ डेंट इन यूनिवर्स. एंड बेस्ट बिजनेसमैन जितने भी आपके वर्ल्ड के आपको पता है सभी इसी प्रिंसिपल पे है. पुट अ डेंट इन यूनिवर्स माने वो वैसा जैसा है, दूसरा नहीं है कोई. और एक होता है सर भेड़ चाल, माने एक कंपनी में 100 आदमी काम कर रहे हैं, 100 के 100 एक जैसे ही कर रहे हैं. आपने कौन सा डेंट मारा है? क्यों आप भी वही काम कर रहे हो, मैं भी वही काम कर रहा हूं, सब सेम ही कर रहे हैं. बट एक आदमी ने क्रिएटिविटी करके एक कंप्यूटर की विंडोज बना दी, नहीं बना दी, वीडियो कॉलिंग बनाई, फेसबुक जैसा ऐप बनाया. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी अलग छाप, एक अलग, हमारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, छाप छोड़ देना. हम हमारे इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, छाप छोड़ देना. छाप छोड़ देना मतलब कि सर ये मेरी पहचान है, ऐसा कोई और नहीं कर सकता है ना, ये छाप छोड़ देना. उसने क्या बोला, पुट अ डेंट इन यूनिवर्स, सेम ही बात है तो. मेरे जैसा और कोई नहीं है. तो जो भी काम करो, मैनेजमेंट क्या कहता है, पुट अ डेंट इन यूनिवर्स, नोबडी कैन डू बेटर देन यू नहीं बोलता है वो. नोबडी कैन डू बेटर देन यू नहीं बोलता है. ये नहीं बोला गया बेटर आपसे कोई हो नहीं सकता. दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, कि मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, होने दो, आप और काम करो, आप उससे बेहतर बनो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप स्टॉप नहीं होगी आपकी क्रिएटिविटी. बट व्हाट ही सेज, बेटर और वर्स्ट की तरफ ना जाते हुए आप जाओ कि ऐसा काम करूं जो कोई और नहीं कर सकता, वो बेस्ट मैनेजर. ठीक है, दैट्स व्हाट मोदी डिड. जो आदमी ऐसा काम करते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते वो क्या खर्च के जाते हैं, वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, मतलब उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैनेजर्स की सबसे पहले क्या, मैनेजर इज अ साइंस और आर्ट. मैनेजर इज, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज. कई जगह आपको शायद पढ़ने में ये लैंग्वेज में ये आए कि मैनेजमेंट एक ही चीज है, दोनों नहीं है. थोड़ी देर में और क्लियरिटी हो जाएगी उसके ऊपर. ठीक है, लेट्स स्टडी. Science may be defined as a body of knowledge systematized throughout the application of scientific method in any department of the inquiry. Science is a systematic in the sense that certain relationship principle and their limitation have been discovered, tested, established and theories. Mane simple, puri tino line ko crux. Science is a defined theory. Law and principle. It does not mean that principle and the law established are immutable for all times to come. Discovery of new knowledge and phenomena can always change any principle. But jo new bhi ban gaya, matlab already ek set bana hua hai. To ye science hai. But agar aapne kaha ki maine to isme naya principle dhoond liya, to kya ye creativity hai? Nahi, abhi bhi ye hai to science hi. But jis purane mein aapne us theory ko develop karke एक बेटर प्रिंसिपल बनाया, वो क्रिएटिविटी नहीं हुई क्योंकि वो अभी भी क्या है, लिखा हुआ है, डिफाइंड है वो चीज. साइंस इंक्लूड्स फिजिकल साइंस, सच फिजिकल केमिस्ट्री मैथ्स आल्सो नोन एज एग्जैक्ट साइंस, एंड सोशल साइंस सच एज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी साइकोलॉजी नोन एज वेरिएबल साइंस एज दे आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर विच इज अनप्रेडिक्टेबल. मैनेजमेंट कैन देन वेल be described as science, यहाँ पर science का बोला जाएगा, if compared to the nature of exact physical science. क्यों? क्योंकि management theoretical base पे चलता है, number of principles है इसके, such as planning, organizing, coordination, staffing, directing, etc. जिसके principle होते हैं. Feature of management as a science. Following features of management as science are required to be properly understood. कौन कौन से? पहला, management is inexact science. मतलब, it deals with complex human phenomena about which knowledge is still limited. मतलब, you are not a robot. आप robot नहीं. आपके पास एक limited knowledge है. आपको शायद एक normal इंसान के साथ कैसे deal करना है वो पता है. You don't know how to deal with special child, abnormal, मैड, ल्यूनेटिक, इडियट, आपको वो चीजें शायद नहीं पता. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो आपकी नॉलेज लिमिटेड है,
बट उस केस में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ये क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट। एग्जैक्ट साइंस क्या है, आपको पूरी चीज उसके बारे में पता, वो एग्जैक्ट है। एक इंसान के बारे में आपको सब कुछ पता है, एग्री, बट अभी भी कुछ छूटा हुआ है। आपको एक नॉर्मल इंसान के बारे में पता, यू डोंट नो अबाउट एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, है कि नहीं? तो अगर आपको एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं पता, तो उसके क्या बोला जाएगा, अभी तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस। और मैनेजमेंट में कभी भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया निकलेगा ही निकलेगा। मैनेजमेंट स्टिल डेवलपिंग साइंस, पर हमेशा जिंदगी नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैनेजमेंट क्या रहेगा हमेशा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया, बट और वो नया लिखा जाता रहेगा, है ना। मैनेजमेंट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इट ड्रॉ फ्रीली फ्रॉम अदर डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, सोशल एंड साइकोलॉजी। क्लियर? रीड दिस, नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। पढ़ लिया पैरा, सेम चीजें जो मैंने आपको बताई कि मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस। आगे, फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या आपको आर्ट के अंदर स्किल्स चाहिए? यू नीड टू हैव स्किल्स। Process of management involves use of knowledge and skills. Process of management is directed towards the accomplishment of concrete results. It is creative in the sense that it is a function of creating productive situations needed for further improvements. Management is a personalized in the sense that every manager has his own approach and problem. जो आप लोग भी मुझे ये बता रहे थे कि यार एक इस पर्सनल अप्रोच, किसी बच्चे ने बताया कि पर्सनल अप्रोच है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, बट आर्ट में आएगा, साइंस में नहीं आएगा। कोई इसमें लाइन जो नहीं समझ आई है, आगे सर। क्या मैनेजमेंट, अब नई चीज आ रही है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन पॉसिबल है? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कभी भी पॉसिबल हमेशा होगा? हर एक प्रोफेशन में मैनेजमेंट चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का, मैनेजमेंट एज अ लाइफ है। यू आर स्टडिंग, डू यू रिक्वायर टू हैव अ मैनेजमेंट? क्या आप मैनेजमेंट यूज नहीं करते पढ़ाई के टाइम पे, कि किस सिलेबस को, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना, एट व्हाट टाइम शुड आई लीव फ्रॉम होम टू रीच इन द क्लास एट अ टाइम, इजंट इट अ मैनेजमेंट? क्या एक मैनेजर बनने के बाद में, वंस यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड, आप अगर क्वालिफाइड हो अपना चार्टर, तो क्या आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेशन के अंदर? सर किस वक्त आपको रिटर्न फाइल करनी है, इस वक्त आपको रिटर्न फाइल करनी है जिससे पेनल्टी ना लगे, लास्ट डेट्स को मैनेज करना, ये क्या है, मैनेजमेंट नहीं है। किस टाइम इनकम टैक्स भरना है,
किस टाइम कंपनी बनानी है, किस टाइम कंपनी की रिटर्न बनानी है, किस टाइम जीएसटी का नंबर लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी क्या चीजें हैं। Aren't you managing dates? क्या आप डेट्स को मैनेज नहीं कर रहे इस वक्त? अगर आप डेट एक्सेट्रा को मैनेज कर रहे हो, वंस यू आर अ कॉर्पोरेट लॉयर, क्या आप कोर्ट में जाके टाइम पे पहुंचते हो, क्या वो मैनेजमेंट नहीं है? किस तरीके से वहां पर आपको कपड़े पहनने, क्या वो मैनेजमेंट नहीं है? मैनेजमेंट हर एक प्रोफेशन में चाहिए। आपके नीचे आर्टिकल काम करेंगे कल को, ट्रेनीज, क्या वो उनको मैनेज करना मैनेजमेंट नहीं है? व्हेन यू आर मैनेजिंग टू देम, इज़न्ट दैट अ मैनेजमेंट? सो मैनेजमेंट तो आज की डेट में हर एक प्रोफेशन, क्या डॉक्टर मैनेजमेंट यूज करता है? डॉक्टर साइंस वाला, डरो मत, आराम से बताओ, करता है नहीं करता? कैसे करता है? कैसे मतलब थोड़ा बहुत या ज्यादा करता है कि नहीं? क्या वो 5 बजे से 7 बजे का क्लिनिक खोलने का टाइम है, क्या वो टाइम पे पहुंचता है? वो क्या है, ऑपरेशन कर रहा है, एनेस्थीसिया देना है, ठीक है, बॉटल भर के पिला दो, किसी को देना था, दो जने हैं, दोनों को हाफ ऑफ देना था, एक को 80% पिला दो, एक को 20% पिला दो, पिलाना ही तो है, ठीक है, खून निकालना है किसी का, निकलने तो थोड़ी देर तक बॉडी से, निकलने तो क्या हो गया, ठीक है, क्या वो मैनेजमेंट नहीं कर रहा? क्या वो मैनेज कर रहे हैं उन चीजों को? 10-15 आदमी को खून निकाल लिया, सही निकाला, बट सब किसी की बॉटल पे स्टिकर नहीं लगाया, ठीक है, किसी को कोई बीमारी आ रही है, किसी को कोई आ रही है, रिपोर्ट्स इधर उधर उल्टे सुलटे जा रहे हैं, तो क्या ये मैनेजमेंट नहीं है? हार्ट स्ट्रोक आता है जब, हार्ट अटैक आता है, तो किस तरीके से उसको डील करना है, इंस्टेंटली उसको डील करना है, क्या वो मैनेजमेंट नहीं है? Being a corporate lawyer or advocate etc. आपको कोर्ट के अंदर पता है कि पहले से सामने वाला वकील उस वक्त क्या बोलने वाला है? हमें नहीं पता। उस वक्त आप सडनली कुछ रिप्लाई प्रिपेयर करते हो, isn't that kickstart your brain? क्या वो मैनेजमेंट नहीं है? क्या ऑटो वाला मैनेजमेंट नहीं करता? सर वो देख लेते कि रेड लाइट आ रही हो, पहले से ब्रेक मारना शुरू कर देते, आप बाइक ऑटो गाड़ी कुछ भी चलाते हो, या फिर ये कहते हो आने दे क्या हो गया, क्या वो मैनेज करता है किस तरीके से स्पीड को धीरे करना है? क्या छोटा सा बच्चा भी मैनेजमेंट करता है? When he start walking, वो दीवार को पकड़ के चल रहा होता है, ठीक है, उसको भी पता है कि ये हाथ मेरा यहां तक जाएगा, या अगर यहां से यहां गैप है दो चीजों में, तो उसको भी पता है कि ये हाथ वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, नीचे बैठ के आगे चला जाता हूं फिर पकड़ लूंगा, ठीक है, isn't that a management? नहीं है। आप सब्जी खाना खाते हो, क्या एक साथ ही पूरे दिन का खा लेते हो? नहीं ना। डू यू मैनेज योर मील, डू यू मैनेज योर वाटर? क्या मैनेजमेंट हर एक चीज में चाहिए? मैनेजमेंट हर एक चीज में चाहिए होता है। आप कपड़े ड्रेस, ऐसा तो नहीं कोई येलो कलर की पैंट तो नहीं पहन के आया, येलो पैंट और लाल रंग की शर्ट, लाल शर्ट तो फिर भी ठीक है, ठीक है, बट येलो पैंट मतलब एक काइंड ऑफ जोकर बन के है ना पहनते आजकल लोग, देखा है, ठीक है, बट डू यू मैनेज योर सेल्फ? आप पार्टी में जाते हो तो अलग टाइप के कपड़े पहनते हो, क्लास में आते हो तो अलग टाइप के, कॉलेज जाते हो तो अलग टाइप के, ये क्या चीज है? आर्ट यू मैनेजिंग योर अपेरल्स दैट टाइम? खरीदते टाइम क्या सारे ही नाइट सूट खरीद लेते हो? क्या मैनेजमेंट कर रहे हो कि अभी मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? सर्दियों में कपड़े पहनते हो तो भूलन, ये मैनेजमेंट नहीं है? फिर कहाँ नहीं है मैनेजमेंट? खाना बनाती है आपकी मदर, ठीक है, आज डाल देते हैं, दो दो बार हाथ कौन डालेगा, कौन नमक में डाले, कौन हल्दी में डाले, एक ही डाल दे पूरा, ठीक है, क्या वो मैनेज नहीं कर रहे कि किस चीज में कितना मसाला डालना है? इज दैट अ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट अगर सवाल किया जाए कहाँ नहीं है, तो मैं कह रहा हूं अगर इन्फेंट जो बच्चा है छोटा सा अगर वो मैनेज कर सकता है, और मरने वाला आदमी बूढ़ा जो होता है वो भी मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है? क्या प्रोफेशन में मैनेजमेंट की जरूरत होती है? बिल्कुल है सर, कहां पर नहीं। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल है किसी को उसकी इस जगह पर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, बता सकते हो।
maybe we get some other views. समझा नहीं क्या चीज बुक में बताओ हम यहाँ निकाल लेते हैं कहाँ पर है कौन है ये किसका था थर्ड पॉइंट कौन बोल रहा है नहीं अभी अभी आपका दिस इज मैनेजमेंट ठीक है आपने पढ़ा दोबारा और समझ गए That's also managing the things by your own. Okay, let's understand this management ki features baat karte hain. Feature manager the profession kya hai? Systematic body of knowledge. ठीक है profession अभी आप ध्यान में रखना अपना company secretary course को ध्यान रखो कि मैं CS बनने वाला हूँ तो कैसे या जो भी आप कोर्स करते हो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड आप जो प्रोफेशन कर रहे हो क्या वो सिस्टमेटिक है पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप ठीक है एंड उसमें नॉलेज इन्वॉल्व होती है नीड फॉर लर्निंग एंड प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली इन अ प्रोफेशन यू नीड टू प्रोफेशन के अंदर तो श्योरली नीड है आपकी स्किल्स की चाहे आप यू नो पपेट शो चलाते हो तब भी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है सर धागे उलझ जाएंगे नहीं है ना आगे एंट्री स्टेट ऑन द बेसिक एग्जामिनेशन और एजुकेशन आपके मैनेजमेंट है क्योंकि आप हर कोई ऐसा नहीं जो मन में आ रहा है आज मैं डॉक्टर बनूंगा ठीक है मेरे पास डॉक्टर की ड्रेस है बन जाता हूं मैं ऐसा नहीं है क्या ये मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का कि सर्टिफिकेट मिलेगा आपको पहले एग्जामिनेशन क्लियर करो लेवल क्लियर करो तो यू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ये मैनेजमेंट है गवर्नमेंट का आगे डोमिनेंस ऑफ सर्विस मोटिव प्रोफेशन में ज्यादा क्या होता है सर्विसेज होती है प्रोफेशन के अंदर वो है एनीवे सर्विसेज ही होती है ठीक है अब मोटिव मैं कह नहीं सकता मोटिव थोड़ा सा बोलते हैं कि पैसा कमाना ठीक है सर्विस मोटिव चैरिटेबल में चला जाता थोड़ा ठीक है ना आप इसको पढ़ के सकते हो एग्जाम्पल भी लिखा होगा शायद आगे पढ़े आगे ना चले मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस है एक ये हेनरी फ्योर चौथा आ गया ऑथर या तीसरा आ गया फोर्थ आ गया आज में ना हेमन कुंसो डोनल और पहला कौन था एक्स तीन तो वो थे और चौथा ये आ गया आपने पक्का लर्न करना है ये पांच नंबर आप चार पांच नंबर के आ जाए किस्मत अच्छी है तो सात आठ भी हो सकता है कोई तीन चार दो क्वेश्चन आते ही चार नंबर हो गया बाकी डिपेंड ऑन योर लक थोड़ा बहुत और भी तो इनको लर्न कर लो अच्छे से दो से छह नंबर एक तो पक्का आना है ऊपर में छह नंबर था तो ये लर्न कर लो लर्न करने का तरीका बता देता हूँ अपनी कॉपी या बुक या जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो उसके पीछे हिक्स ने क्या कहा था गेटिंग द थिंग्स डन फ्रॉम पीपल एंड एक्सेट्रा हेमन ने क्या कहा पुंसो डोनल ने क्या कहा और इसने हेनरी फ्योर कौन है कई ऐसे हैं जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है कई फादर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो उनके आगे नाम के आगे वो लिख दो कि इज अ फादर ऑफ दिस इज द फादर ऑफ दिस ये सारे ठीक है ये आते एग्जाम में सो सब्जेक्ट इज नॉट एट ऑल टफ इट रिक्वायर्स योर हार्ड वर्क आपकी मेहनत की जरूरत है इसके अंदर कोई खास टफ नहीं है लॉ एक समथिंग विच इज अ टेक्निकल थ्योरी वो थ्योरी नहीं है टेक्निकल थ्योरी मुझे समझानी पड़ेगी आपको वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है इस सब्जेक्ट के अंदर डेफिनेटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अप्रोच है बट आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी उसमें लर्निंग वाला सब्जेक्ट है लॉ लर्निंग वाला सब्जेक्ट नहीं है वो समझने वाला है ठीक है हेनरी फ्योर फ्रेंच इंडस्ट्री पॉपुलरली नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी तो ये क्वेश्चन आ गया हु इज द फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फ्योर डिवाइडेड द इंडस्ट्री अंडरटेकिंग इनटू सिक्स ग्रुप छह ग्रुप्स में इसने इसको बांटा कौन कौन से आप देखोगे हमारे ज्यादातर यही छह ग्रुप होते हैं इंडस्ट्री के काम करने के यही छह तो ग्रुप है आपके पहला
कमर्शियल हो गया, टेक्निकल लग गया, फाइनेंस हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या मैनेजरियल हो गया। मैनेजरियल लेके उसने सब कुछ कैटर कर दिया, वैसे आप मना नहीं कर सकते क्योंकि सब किस में आता है मैनेजमेंट। देन प्योर डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, ही सेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन से होते बता सकता है कोई? प्लानिंग, याद रखें, आर यूज फॉर फॉर्मुलेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, वेयर द एलिमेंट्स हेल्प इन डिसाइडिंग इट्स फंक्शन। ही ग्रुप दीज एलिमेंट्स इनटू फाइव मैनेजरियल फंक्शंस: प्लान, ऑर्गेनाइज, लीडिंग, और अपने वहां पर वो था ना स्टाफिंग का, ठीक है, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, अपने वहां पर अलग था शायद, पढ़े की बात, ठीक है, एंड देन लास्ट में कंट्रोल, मना इंप्लीमेंट को ठीक से करो उसको, ठीक है। Fuel classified the managerial functions is widely known as the and acclaimed as the two other classification also exist. दूसरे भी हैं, जैसे एक भाई साहब हैं, उनका नाम है लूथर गुलिक, इसने एक वर्ड बनाया PUSDCORB, दो तीन बार एग्जाम में आया इसकी फुल फॉर्म, इजी है लर्न करना, बता देता हूं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सीओ, एंड लास्ट में बचा आरबी। आर मन है तो कोऑर्डिनेट कर दिया, यहां तक तो आपने 12th तक पढ़ा कि बस कोऑर्डिनेट कर दो, उसके बाद टॉप मैनेजमेंट को उसकी रिपोर्ट तो बना के भेजो आपने काम क्या किया, एंड देन लास्ट में चेक करो कि सब कुछ सही कर दिया, ओके, पैसा कितना खर्च किया, कहीं ये नहीं कि 100 का बोला था और खर्च 150 कर लिया, बजट भी चेक कर, ठीक है। ये किसने बताया? ल्यूथर, ठीक है, लिखना पड़ेगा। आगे एक और आदमी आया जिसका नाम था न्यूमैन एंड समर, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है लर्न करने में बता देता हूं, हमें नाम याद आते चिन्नैया, रमैया, लालमन, हरभजन लाल, शुक्ला एक्सेट्रा, ऐसे मोहम्मद क्या था वो, ख्वाजा मोहम्मद, उशानी बेगम, बहुत अच्छे से याद है, मैं आई एम श्योर सारे केस याद है जो मैंने भी बोले, ख्वाजा मोहम्मद, उशानी बेगम का क्या केस है, कहानी पूरी याद है, टॉपिक याद होना हो, ठीक है। ऊपर की हेडिंग क्या थी, प्रिविटी ऑफ उनका, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। चिन्नैया, रमैया, कहानी पूरी याद है कि सर मामा की बेटी थी एक्सेट्रा जी सारा, बट द प्रॉब्लम इज कि अब एक तो ये नाम हमारे ऐसे नाम नहीं होते, वी आर लेस फेमिलियर विद सच नेम्स, ठीक है। जैसे एक वो केस बताया था मैंने आपको स्टीम वाला, ठीक है, अब मैं यूजर है, अब ऐसे दो तीन से पूछू अगर वो कौन सा केस था, हाँ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, ठीक है, इतना भी बताया बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ठीक है। लंदन वाले केस का क्या नाम था, लंदन का एक केस था ना, क्या नाम था उसका, हाँ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में था, क्या था, क्या नाम था, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, प्रॉब्लम उनमें नहीं है। अब लालमन शुक्ला सबको पता है डॉग वाला है, एग्जाम्पल बच्चा खो गया था एक्सेट्रा, मैंने आपको एक डॉग का एग्जाम्पल दिया था, तो आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, यू हैव टू गेट फैमिलियर विद दीज नेम्स। नेम्स इसलिए लर्न नहीं हो रहे हैं बेसिकली, वी आर नॉट फैमिलियर विद सच नेम्स, नाम थोड़े से हमारे लिए अलग, हमें लगता है ऐसे नाम होते नहीं, मतलब ये कोई नाम थोड़े ऐसा लग रहा है, नाम कम पड़ गए, क्यों रख रहे हो ऐसे, कि क्या नाम है, मतलब ल्यूथर, न्यूमैन, समर, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ी हेनरी, हेनरी चलो ठीक है याद रह जाता है, फ्योल एक्सेट्रा अच्छे नाम है, ठीक है। हमारे को स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है फिर एग्जाम में, ये तो चलो टिक मार्क है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज तो लिखने में हम लिखना चाहते हैं, नाम पता है, बट फिर भी जो है ना अपने इसकी ल्यूथर गुलिक की, ये तो बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ऐसे ऐसे नाम आएंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, ठीक है। एनीवे,
तो न्यूमैन समर ने क्या कहा, किसने कहा क्लासिफाई द मैनेजिंग प्रोसेस एंड द फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, उसने पहले क्या बोला, उसने कहा पहले ऑर्गेनाइज करो। तो आपको ना अपने कुछ दिमाग में इनके कुछ एब्रिविएशंस बनाने पड़ेंगे अपने हिसाब से। जैसे न्यूमैन से आप याद कर सकते, उसने कुछ नया ही बनाया, उसने नया क्या बनाया, उसने प्लानिंग को हटा दिया, वो पहले किसको ले आया, ऑर्गेनाइजिंग को। तो न्यूमैन एंड समर, उसने कुछ नया ही बनाया, कैसे याद रहेगा ये, मैनेजिंग प्रोसेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, समथिंग न्यू उसने एक ऑल टुगेदर नया बना। इस तरीके से एक तरीका बता रहा हूं आपको, जैसे आप लर्न कर सकते, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ नीचे, देखो आ रहा है क्या आपको, सब एक चीज समझो, एग्जाम में क्या आएगा आपको, यू विल बी वेरी श्योर कि एग्जाम में ऐसा लिखा गया जिस दिन POSRO याद आ जाएगा मुझे इसमें क्या है, ठीक है। वो ऐसे इतने बेवकूफ वो भी नहीं, वो आपको ऐसे दो वर्ड देंगे एक जैसे, ठीक है। आप कंफ्यूजन, क्योंकि अभी तो रिसेंट पढ़ रहे, ठीक है, रह जाता है। आप समझो एग्जाम में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्वेश्चन ये सारी चीज, इसको कैसे आंसर करना है वो देख लो, ठीक है। आंसर देख लो नीचे, वैसे भी देख ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब ये सेल्फ अप्रेजल, मतलब अपने आप को प्रेज करने पे सक्सेस मिलती है। मैनेजमेंट फंक्शंस, ओके, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दीज, रीजन दो है, पहला आपको आता है, दूसरा अगला चैप्टर यही है, वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऊपर ऊपर से मैं आपसे पूछता हूँ, प्लानिंग मतलब आप बताओ, हाँ प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर, बेस्ड ऑन द फोरकास्ट, ठीक है। What is organizing? एक आता हूँ आप पे, हाँ। Whatever you have planned, उसको उस तरीके से काम में, काम स्टार्ट करना है एक्चुअल में, ठीक है। नेक्स्ट इज लीडिंग, हाँ बताओ आप पीछे लीडिंग, कौन बोल रहा था उस टाइम पे बता दो, लीडिंग हाँ आप बता दो साथ वाला। राइट पर्सन द राइट जॉब द राइट, ठीक। और क्या काम करना है आपका, गोल क्या है, उस तरीके से काम लीड करना मैनेजर को, कंट्रोलिंग माने वॉट एवर यू हैव प्लान, वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, वॉट एवर स्टाफिंग राइट पर्सन, उन सबको ढंग से अभी इंप्लीमेंट करो, जो जो चीजें की थी उनको काम, और बीच में डायरेक्टिंग भी है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शंस देना। एक बार ये एग्जांपल पढ़ो, दो रीड करो इनको, ये दो एग्जांपल्स के।
रीड दीज एग्जांपल्स फर्दर, पढ़ो इनको। ऊपर वाले जो भी छोड़े वो भी पढ़ने हैं। आगे चले हो गए सर नेक्स्ट। द मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले इनपुट, ध्यान से पढ़िएगा, इनपुट आप रिसोर्सेज में क्या क्या डालते हो, ह्यूमन, फाइनेंस, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, मतलब काम करने वाला इंसान, पैसा, रॉ मटेरियल, उनको करने के तरीके, उनको करने की टेक्निक और उनको करने के तरीके, ये सारी चीजें। जब आपने इनपुट इसमें डाला उसके बाद आपके कुछ काम होते हैं आउटपुट तक पहुंचने के लिए, आपके पास ये चीजें अवेलेबल है। सबसे पहले प्लान करो, प्लान करने का मतलब क्या है, सेलेक्ट द गोल एंड वे टू अचीव देम। जो आपके पास सब कुछ पड़ा है, इट्स जस्ट दैट आपका गोल सेट करो और उसको अचीव करने का तरीका बनाओ, मतलब प्लानिंग करो। दूसरा आ गया आपका ऑर्गेनाइज, असाइन रिसोर्सेज फॉर द टास्क। अब आपने जो ऊपर सेट किया गोल उसके लिए लोगों को टास्क, काम असाइन करो। तीसरा है आपका मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड मेक करेक्शंस, ये तीसरा और चौथा एक साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जो आपने उनको काम करने को दिया उसको क्या करो, आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करो। एंड द लास्ट इज मोटिवेट द स्टाफ टू अचीव द गोल्स कंटिन्यूअस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। And once you're done with this, you will get output, point number third. Output includes the product, services, financial results, profits, information and the human results such as employees, level of job satisfaction. Output दो होते हैं। Output में जरूरी नहीं कि आपके पास एक ही output आएगी, output में खाली आपके पास finished product आ रहा है। Output could be, output जरूरी नहीं कि यही चीज output में रहेगी, it could be performance, क्या क्या output आएगा आपके पास, performance, जैसे गोल अचीव हो गया आपका, एक तो ये ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट। डोंट यू थिंक आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ी, नॉलेज बढ़ी, एक्सपीरियंस बढ़ा, प्रोडक्ट बना आपका, सर्विसेज आपने प्रोवाइड की, आउटपुट में प्रोडक्ट भी आ सकता है, सर्विसेज भी आ सकती है, एक्सपीरियंस भी आएगा आपको, नया टाइप का एक्सपीरियंस भी बनेगा, ठीक है। Development of management theory. Management in some form or the other have been concerned for organizing corporation ever since the dawn of civilization. जब से इंसान बना है तब से मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है। कहीं पे भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, मैनेजमेंट सब जगह लगा है, ठीक है। पुराने टाइम पे अगर किंगडम होता था, राजा होता था, वो अगर वॉर करते थे, युद्ध करते थे, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने महल में खड़े होकर तीर चलाने लग जाते कि उसके एरिया में चला जाएगा, या वो गैप मेजर करते थे और उसके बाद में तीर चलाते थे। एक होता था ना कि इतनी दूरी से चलाया हुआ तीर ही चलेगा, वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा था। तो जब से सिविलाइजेशन है तब से मैनेजमेंट, पानी की स्टोरेज करते थे ना पहले टाइम पे, आज भी करते हैं। व्हाट इज दैट, आप एक टाइम देख के रख लेते हो, आपने एक टैंकी लगवाई अपने घर पे कुछ लीटर वाटर की,
व्हाट इज दैट? दैट्स अ मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि सुबह से शाम तक मेरा इतना पानी खर्च होता है, ये आपने क्या किया? मैनेजमेंट किया। पुराने टाइम पे भी पानी मैनेज होता था, लोग एक घड़े लेके नदी से भर के लेके जाते थे, रिवर से कोई दो लेके जाता था, एक या दो का कॉन्सेप्ट क्या था? वो किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए था, किसी के मेंबर ज्यादा थे, किसी के मेंबर कम थे। तो ये बेसिकली हो क्या रहा, ये मैनेज ही तो कर रहे थे वो सब, कि हमें इतने पानी में हमारा काम चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट था, तो सबसे सिविलाइजेशन है तब से मैनेजमेंट चलता। रोमन कैथोलिक चर्च एंड द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आल्सो ऑफर्ड गुड एग्जांपल्स ऑफ अर्ली एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। हाउएवर, सिस्टमैटिक स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी एंड मोर स्पेसिफिकली। माने सर, मैनेजमेंट तो सिविलाइजेशन के टाइम से चल रहा है, बट सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक अप्रोचेस मैनेजमेंट की कब बनी है? मॉडर्न साइंस, मॉडर्न वर्ल्ड में बनी। पहले भी था मैनेजमेंट, बट सिस्टमेटिक स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज लार्जली द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी। अब जो है ये सिस्टमेटिक अब बना है, लिखा गया, बताया आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन डिफाइन करके गया? सबसे पहला पैट्रिक टेलर, नाम सुना इसका अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था इसने? हेनरी फ्यूल कौन था फिर? मॉडर्न वाला। और ये कौन था? ये किसका फादर है? टोटली पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, द गोल ऑफ फ्रेडरिक टेलर इन 1901 साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज टू यूज सिस्टमैटिक बॉडी टू फाइंड द वर्ल्ड्स बेस्ट वे टू डूइंग द टास्क। टू डू दैट मैनेजर मस्ट फॉलो फोर प्रिंसिपल्स। उसके का मैनेजमेंट को चार प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। पहला, डेवलप ए साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द वर्क, स्टडी इट, एनालाइज इट। बेसिकली बातें वही हो रही है, पहले गोल सेट करो, रिसोर्सेज करो, बट अपनी अपनी किताबें लिख दी। कम उस टाइम पढ़े लिखे लोग थे, आपका नाम छा गया, कोई फादर बन गया, कोई मदर बन गया, इस तरीके से। हमारे पास भी तो है ना एक, ठीक है, आगे अब आए थे ना हमारे पास भी एक, वो नाम के पीछे वो लगा लेते बापू, ये जो से आशाराम है ना, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उस टाइम पे इतने डेवलपमेंट थी नहीं, हम लोग थोड़े से लेस लिटरेट थे, तो हमें दिखाया गया कि बस यही है सब कुछ जो नॉलेज है, तो इज योर फादर, बाप है वो आपके हर नॉलेज के अंदर। तो हमने क्या मान लिया, ठीक है भाई, क्योंकि लिटरेसी थी नहीं इतनी। आज की डेट में बनाओ ना बाप, कुछ तो अपने पापा को भी मानने से इनकार कर देते कि नहीं आपसे ज्यादा, मतलब अपने फादर से भी ज्यादा हमारे अंदर नॉलेज है। आजकल की जनरेशन तो यही है ना, पापा से ज्यादा नॉलेज है, पापा आपको कुछ नहीं पता, आज की तो नॉलेज यही है ना। तो और उस टाइम की जनरेशन देखो, ठीक है, पढ़ाई ने कितना डिफरेंस क्रिएट किया। देखो पहले तो दूसरों के पापा को पापा मान लेते थे, और आज की डेट में दैट्स अ डिफरेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ओके, पढ़े लिखे उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं इंडिया में थे, तभी हमारा इंडिया इतना डेवलप कर पाया। बट हाँ, इतने एज कंपेयर टू पॉपुलेशन थोड़े लेस थे, हमारे जितने रिक्वायरमेंट थे उससे थोड़े कम थे, और जो कुछ पढ़े लिखे थे उनका नाम छा गया, डिमांड एंड सप्लाई कौन सा, ठीक है। तो पहले इन्होंने क्या बोला, पहले बोला कि सर चीज को डेवलप करो, एनालाइज करो, और फिर कुछ काम करो। एग्जांपल, वन ऑफ द टेलर्स कॉन्ट्रोवर्शियल प्रपोजल एट द टाइम वाज टू गिव रेस्ट ब्रेक टू द फैक्ट्री वर्कर्स डूइंग फिजिकल लेबर। पता नहीं ये चीज की उनको ब्रेक दो आप, जब वो ब्रेक से वापस आएंगे ना डबल स्पीड से करेंगे। और उन्होंने भी इसका लूपहोल निकाला, उन्होंने कहा ब्रेक दोगे तुम आधे घंटे का, हम इसको एक घंटा बना देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी गया कोई कुछ नहीं, आप लोग आप तो जाओगे, थोड़े दिन रुक जाओ, आपको मेरी बात उस वक्त रियलाइज होगी जब आप विंडो पे खड़े होंगे और ब्रेक टाइम हो रहा होगा, ठीक है। ब्रेक का टाइम है 1:30 बजे, तो 1:15 बजे ब्रेक स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक होने वाला है अब और काम नहीं लेंगे, ब्रेक होने वाला है अब और काम नहीं लेंगे। और ब्रेक का टाइम खत्म होना था 2:00 बजे, 1:30 से 2:00 शुरुआत होगी उसकी 1:15 बजे, और 2:00 बजे ब्रेक खत्म होना था, तो 2:00 बजे तो ब्रेक खत्म हुआ है ना,
अब तो रुमालों से हाथ पोंछे जा रहे हैं, उसमें 5 मिनट लगा देंगे, पीछे बैठे हैं, विंडो खुलने में टाइम लगता है, ठीक है, आराम से बैठे हैं, अभी तो ब्रेक खत्म हुआ है तो पानी पीने गए हुए, आएंगे बैठेंगे 2 मिनट वॉक करके आ रहे हैं, बाहर ही चले गए ऑफिस से, ठीक है, तो कितने घंटे का हो गया ब्रेक, 1.5 से 2 वाले को डबल कर दिया। और प्रोडक्टिविटी ब्रेक के बाद, ठीक है, आप आफ्टर लंच वाली क्लासेस में बैठ के देखो, ठीक है, वो होती है प्रोडक्टिविटी, यू स्टार्ट स्लीपिंग, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड क्यों है? कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए बिकॉज दूसरे जो मैनेजमेंट के जो बनाने वाले ऑथर्स थे उन्होंने कहा कि ये गलत है। रीजन, आफ्टर हैविंग फूड हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसने कहा वी रिक्वायर टू हैव अ रेस्ट, हमारी बॉडी में रेस्ट की जरूरत आ जाती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि भूखा रखो उनको, ये भी नहीं है, क्योंकि ये कहना भी गलत है कि उनको भूखा रखो। देखे इसने क्या कहा, वन ऑफ द टेल कंट्रोवर्शियल वाज़ एट द टाइम ऑफ द गिव रेस्ट टू ब्रेक टू द फैक्ट्री वर्कर डूइंग फिजिकल लेबर, टुडे वी टेक ब्रेक फॉर ग्रांटेड बट इन टेलर्स डे फैक्ट्री वर्कर्स वर एक्सपेक्टेड टू वर्क विदाउट स्टॉपिंग, उस वक्त बिना रुके काम करना पड़ता था। दो सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट टेलर्स शोड दैट फ्रीक्वेंट रेस्ट ब्रेक ग्रेटली इंक्रीज डेली आउटपुट, थोड़े थोड़े ब्रेक देने पर आउटपुट ज्यादा बढ़ जाता है, विच आई वुड से डिफर है, किसी का ओपिनियन इस पे अलग है, किसी को लगता है कि 1-1 घंटे के बाद ब्रेक मत दो, ठीक है, किसी को लगता है कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक के काम करेंगे तो शायद बेटर हो जाता है, डिपेंड, कईयों को लगता है कि वन गो पे बैठ के अगर हम काम करेंगे तो शायद बेटर हो जाता है। यू कैन टेक योर एग्जाम्पल एट अ टाइम ऑफ स्टडीज। सेकेंड इन्होंने बोला साइंटिफिकली सिलेक्टेड ट्रेन, साइंटिफिकली सिलेक्ट करो कि उसको वर्कर को, देन ट्रेन करो उनको, मतलब ट्रेनिंग दो, एंड देन टीच एंड डेवलप वर्कर टू हेल्प देम रीच देयर फुल पोटेंशियल, मतलब हर किसी इंसान के अंदर पोटेंशियल है, इट्स जस्ट दैट आपको उसको ब्रश करना है, उसके अंदर की काबिलियत को बाहर निकालना है, उसको समझाना है, पढ़ाना है। अगर आप उसको सीधा ड्यूटी पे भेज दोगे तो वो साल भर लगभग उसको लर्न करने में लगाएगा, क्यों ना उसको आप 1 हफ्ते की पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम, कंपनी में क्या काम करना है, या 15-20 दिन किसी पुराने वर्कर के साथ उसको काम करवाओ, और फिर इसको काम पे ऑन फ्लोर इंडिविजुअल छोड़ दो, फिर देखो किस टाइप का काम करता है वो। ट्रेनिंग तो मिल चुकी है, अदरवाइज वो साल भर सीखता रहेगा, दैट्स व्हाट ही सेड। ओके, रीड देखो, रीड करो इसे। थर्ड इनका प्रिंसिपल था कोऑपरेट विद एम्प्लॉइज टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब कोई भी चीज थोपी ना जाए, डोंट इम्पोज, रादर कोऑपरेट विद देम, थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करें। दैट इज एज अ टेलर न्यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मोर ऑफन देन नॉट वर्कर्स एंड मैनेजमेंट व्यूड ईच अदर एज अ एनिमीज। टेलर सेड द मेजॉरिटी ऑफ दीज मेन बिलीव दैट द फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स आर नेसेसरली antagonistic. Scientific management, on the contrary, has its very foundation a firm conviction that the true interest of the two are one and the same. दोनों का interest क्या एक ही है, goal achieve कर रहे हैं, दोनों का interest है that prosperity for employer cannot exist for many years unless it is accompanied by the prosperity of employee. कोई भी इंसान मालिक जो है वो इतना पैसे वाला तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपने employees को फायदा, क्योंकि वो छोड़ के जाता रहेगा। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज टू डिवाइड द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली। पता है ये वाली बात आपको, रिस्पॉन्स जो इतनी जितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उतना ही वर्क, तो है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर जो होता था। और हर एक काम को डिवाइड करो, हर एक आदमी को अकाउंटेबल बनाओ, डिवाइड द वर्क, ये नहीं कि तुम सारे मिलकर ये काम कर ले, नहीं, तुम इतना, तुम इतना, तुम इतना, तुम इतना, इस तरीके से आप काम को डिफाइन। Clear? Part this point? So divide the work, read it, pardon.